आजसू ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने दावा किया है कि एनडीए झारखंड की सभी सीटें जीतेगी, प्रत्येक लोकसभा में कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही तमाम सियासी पार्टियां चुनावी दंगल में कूद चुकी है। आजसू भी इसमें अछूता नहीं, आजसू भी इसमें पीछा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आजसू प्रमुख सुदेश महतो हैं। सुदेश जी, कितना तैयार आजसू, कितना तैयार राज्य में एनडीए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? लोकसभा की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, आप देख रहे हैं। हमने पार्टी के वर्कर्सों को भी एक कार्यक्रमों के माध्यम से, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था फिलर मेंबर का, उसके माध्यम से प्रत्येक लोकसभा में हमारा कार्यक्रम चलेगा 14 के 14 पर, ताकि पार्टी के वर्कर्स एनडीए के पक्ष में अपना बेहतर मतदान करा सके और हम अपने दायित्व को निर्वहन करें। सीटों को लेकर तालमेल हो गया, बातचीत हो गई एनडीए से? एनडीए को लेकर हम लोग ने कहा है कि हम लोग कभी भी जब चर्चा करें तो टोटल 14 की करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे आजसू करे। हम लोग आप देख रहे हैं कि लगातार 14 की 14 सीट, वो दल अलग हो सकता है, कैंडिडेट अलग हो सकता है, हमारे दल से कैंडिडेट रहेंगे, भाजपा से रहेंगे, लेकिन हमारे मकसद एक है कि 14 के 14 हम लोग जीत रहे हैं। आजसू क्या सिर्फ गिरिडीह पे ही फोकस रहेगा? नहीं, आजसू मैंने कहा, मैं रांची में आज आप सम्मेलन इतना बड़ा देख लिए, जब 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता आकर एक शपथ लेकर गए जो आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी किस रूप से तैयारी करे, कितनी बड़ी तैयारी कर रही। ये क्या आने वाले 2024 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको भी आप इसी बहाने एक तरीके से फोकस कर रहे हैं? नहीं, सभी के लिए है। ये पूरा चुनावी वर्ष है, ये पूरा चुनावी वर्ष है, चुनाव वर्ष के लिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को तैयार रखना। दादा, ये कहा जाता है कि रांची लोकसभा में जब तक सुदेश महतो नहीं लगते हैं सफलता नहीं मिलती है सामने वाले को। नहीं, हम मिलकर लड़ते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कई वर्षों से, जब हम लोग गठबंधन भी नहीं रहे तो निश्चित रूप से, जब चौधरी जी लड़ते थे तब से लेकर लगातार हमारा जो मेरे संगठन का साथ मिला है, हम कोशिश करते हैं और रांची के लोगों का प्यार मिलता है हम लोग को। एक बार फिर जेपीएससी में पेपर लीक हुआ है, चतरा से खबर आई है, और उसके बाद तमाम जिलों में विद्यार्थी जो है वो विरोध कर रहे हैं। हर अपराध में ये शामिल होंगे, ये सरकार, मैंने कहा कि जहां संपदा की लूट से लेकर अब हमारे नौजवानों के भविष्य की लूट में लगे हुए हैं, और ये परिणाम आपको रोज दिखाई देंगे, रोज इनके जो घृणित कृत्य है जो, वो आपको दिखाई देंगे। शर्मसार राज्य को करने में ये कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ चौथे फेज में चुनाव होना है तो अभी लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है, तो क्या ये जो कार्यक्रम आपका लगातार विधानसभा वार कह ले या लोकसभा वार कह ले, ये लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा? जारी रहेगा, एकदम मेरी तैयारी है कि पूरी 14 के 14 लोकसभा में पार्टी का इसी तरह का, जो हम लोग ने विलेज मेंबर तय किया है 4,402 पंचायत से लेकर नगर, सभी इकाइयों पर पार्टी का सम्मेलन के माध्यम से हर गाँव हर नगर इकाई के लिए एक जिम्मेदार महिला और पुरुष तैयार करना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नीरज के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। चुनाव का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।